गौरव और निर्भय रियल लाइफ में सगे भाई हैं और आज सास बहू और बेटियां इन दोनों को ले आया है मस्ती के कुछ लम्हे साथ बिताने के लिए, वो भी एकदम एडवेंचरस अंदाज में। तो सास बहू और बेटियां के साथ आप भी शामिल हो जाइए मटर कश्ती के इस कारवां में, जिसके लिए गौरव और निर्भय पहुंच गए क्लब एक्वेरिया। आज दोनों भाइयों के बीच स्नूकर का खेल भी होगा, बैडमिंटन का मुकाबला भी होगा, स्विमिंग पूल में मस्ती भी होगी और इनका बेफिक्रा अंदाज भी होगा। भाई लोग आज सास बहू बेटिया के साथ है, क्या प्लान्स है, किस तरीके से आज मस्ती करने वाले हैं आप दोनों? आज बहुत टाइम बाद हम दोनों एक साथ हैं, तो और वीकेंड है, छुट्टी मिली है काफी टाइम के बाद, तो हम आज काफी मस्ती करने वाले हैं, गेम्स खेलने वाले हैं और स्विमिंग भी करने वाले हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि इसका कॉल टाइम होता है मोस्टली दोपहर का, मेरा अर्ली मॉर्निंग, तो हम दोनों एक दूसरे को सोते सोते ही देखते हैं बस। इससे आज बहुत टाइम बाद कुछ बचपन की याद जैसे आ गई, जैसे बचपन में हम खेलते थे वो दिन याद आ गए, तो आज हम वही सब मस्ती वापस करने वाले हैं। में मौजूद है फन एंड ट्रॉलिक का सारा इंतजाम और दोनों भाइयों ने मस्ती की शुरुआत की स्नूकर के खेल के साथ। चाहत के दर पे दिल का धरना है, कामर के जीना जी के मरना है, तूफान के हमदम अंगारे हैं हम, धड़कन में थोड़ा सा बारूद। का खेल तो लाजवाब था, लेकिन जब बारी आई हार और जीत की तो शुरू हो गया दोनों भाइयों में तशन। मुझे लगता है कि ये और ज्यादा स्ट्रेच करेगा तो इसके बाइसेप्स फंस जाएंगे, तो थोड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन है, बट आई एम श्योर ये एक शॉट तो लगा ही लेगा। नहीं लगा तो मैं बहुत कुछ लूंगा इसमें क्योंकि निशाने अच्छे हैं मेरे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं खेल रहा हूँ, इसको स्नूकर कहते हैं, बचपन में भी मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर पाऊँ। जय बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, जय श्री राम। लोह जग हम आरी, सब पे है हम भारी, और जग से याराना है आधी रब से यारी। भाई मानना पड़ेगा स्नूकर के इस खेल में तो बाजी मार ली छोटे भाई गौरव ने, और देखिए ना उनके शॉट्स है भी कितने पावरफुल। चलता है सिक्का हुक्मों का इक्का, बनता अपना हर एक दिन ही शोला सा इश्का, जश्ने इश्का, जश्ने इश्का, जश्ने इश्का, जश्ने इश्का। अभी अभी हम लोग जस्ट स्नूकर खेल के बाहर आए हैं और छोटे भाई ने बड़े भाई को हरा दिया है। ये ताकत वाकत चलती नहीं है यहाँ पे, सिर्फ दिमाग का काम होता है जो मैं करता आया हूँ आज तक अपने शो में। और अब हम जा रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट की तरफ, देखते हैं ये बदला ले पाता है या नहीं ले पाएगा। जी हाँ, स्नूकर के बाद बारी थी बैडमिंटन के कोर्ट में हाथ आजमाने की, और देखिए शुरू हो गया दोनों भाइयों के बीच ये महा मुकाबला। बैडमिंटन के इस खेल में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन साथ ही इन्हें याद आ गए अपने बचपन के दिन, जिन्हें याद कर ये दोनों हो गए नॉटी नॉटी। भाई मुकाबला तो हो गया, अब जरा ये भी तो बताइए क्या आखिर इस खेल में जीत किसकी हुई? ऑलमोस्ट बराबर था, पता नहीं लग पाया कौन जीता, बट ये बड़ा भाई है तो मैं एक जीत इसे दे रहा हूँ। अब फाइनली टाइम फॉर स्विमिंग, उसमें आई एम श्योर कि यही जीतेगा क्योंकि मैं स्विमिंग में थोड़ा वीक हूँ, बट स्टिल मजा आने वाला है, बॉडी वॉडी दिखने वाली है आप लोगों को, थोड़ी मेरी भी देख लेना। मेरे ही प्रोटीन खा के बॉडी बनाता है, चलिए सारे डब्बे मैं लाता हूं, खाता ही है। बैडमिंटन की थकान उतारने के लिए अब बारी थी स्विमिंग पूल में जाकर छई चपा छई करने की, तो देखिए दोनों भाई हो गए इसके लिए तैयार।
मेरा मजाक बन जाता है जब भी मैं इसके साथ में खड़ा होता हूँ। ये मतलब ये बहुत ह्यूज है, मैं इतना ह्यूज नहीं हूँ, पहले मैं काफी मोटा था, उसके बाद में मैं ऐसा हो गया हूँ, बट मैं खुश हूँ जैसा मैं हूँ और मैं इसको देख के भी बहुत खुश हूँ। मैं माना गौरव कि आपके हनुमान भाई के टोले शोले आपके टोलों से ज्यादा दमदार है, लेकिन फिटनेस के मामले में आप भी किसी से कम नहीं। वैसे अगर अपने भाई जैसी बॉडी चाहिए तो ले लीजिए उनसे कुछ टिप्स। और सुबह जल्दी उठना, नियमों का पालन करना, अच्छी डाइट खाना, टाइम पे सोना, पार्टीज में नहीं जाना, पूरा दिन घर पे रहना, फ्री टाइम में रेस्ट देना बॉडी को, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें करना, तभी आप एक जाके एक अच्छी बॉडी बना पाते हैं। मैं भी डे नाइट शूट करता हूँ, मैं 24 घंटे भी शूट करता हूँ, मेरे को हार्डनेस पे भी वर्क होता है, मेरे फेस पे भी मेकअप जो है थोड़ा हैवी होता है, पूंछ भी लगती है, उसके बाद जिम भी, मैं रात को 2-2, 3-3 बजे जिम करता हूँ, कई बार जिम एक्सरसाइज नहीं छोड़ता, उसके बाद मेरा जिमनास्टिक, मार्शल आर्ट, ये सारी क्लासेस भी चलती हैं, तो बस मेंटेन हो रहा है। बड़े भाई अगर फिटनेस के मामले में बेजोड़ है तो वहीं छोटे भाई का समझदारी में कोई मुकाबला नहीं। झगड़े हम में होते नहीं इतने, कुछ भी कभी हुआ नहीं झगड़ा, बस मैं थोड़ा खर्चे ज्यादा करता हूँ, ये थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, मैं बोल लेता हूँ इस मैटर में। एक्चुअली क्या रहता है ना, ये बहुत ज्यादा खर्चीला है, ये मुझसे बड़ा है बट इतना समझदार नहीं है, मैं इसको कई चीज़ों में समझाता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। मैं मम्मी हम एक तरफ हो जाते हैं, ये और पापा एक तरफ हो जाते हैं, सो ये नहीं मानता है कि अगर इसका जो भी इसका चेक आता है, अगर फर्स्ट को आता है तो सेकंड को आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चेक का 1 रुपये भी नहीं मिलेगा ये, बल्कि मेरे जो चेक आता है उसमें से लेके जाता है। सो ये है, तो मैं इसको समझाता हूँ थोड़ी सेविंग्स रखनी चाहिए, वो सब होना चाहिए, बट अच्छी बात है जो ये खर्चे करता है उनका फ़ायदा मुझे मिलता है, क्योंकि नई नई चीज़ें घर में आती हैं, जो ये नहीं पहनता, ये यूज़ नहीं करता, जो मैं करता हूँ और जो स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। बट हाँ, ये मुझसे बड़ा है, मैं ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करता हूँ, बस मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ ये थोड़ा समझे, क्योंकि आगे की लाइफ भी, ही इज़ मैरिड, इसकी बेटी भी है एक छोटी सी, सो मैं बस यही दुआ करता हूँ अच्छा करे ये लाइफ में, और बढ़िया अच्छे अच्छे शोज करे, और मेरे को भी कुछ कहीं पे काम दिला दे छोटा सा। नहीं बात इशाते तो बहुत हो गई, अब जरा स्विमिंग पूल में उतर कर थोड़ी भीगी भीगी मस्ती भी कर लीजिए। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और तुम भी सानी 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 सानी, आ जाओ के बाद भूख लगना तो लाजमी है, तो चलिए कुछ पेट पूजा हो जाए। शेड्यूल्स में से एक दूसरे के लिए समय निकालकर और आपस में यू मस्ती कर कैसा लगा आप दोनों को? इतनी मस्ती की, साथ में स्विमिंग भी की और स्क्वाश भी खेला, रैकेट भी खेला, और इतना अच्छा फूड यहाँ का था वो खाया, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम हम कब होटल गए थे और कब खाया था एक साथ, ये शूटिंग में इतना बिजी मुझे याद है इसकी शादी के टाइम और इतना अच्छा स्ट्रॉबेरी शेक था, बहुत अच्छा लगा, स्पेशलिटी थी, मैंने लाइफ में पहली बार खाया, बहुत इंजॉय किया। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि थोड़ा हमें समय मिले, आज फाइनली हम दोनों फ्री थे, हम लोग यहाँ आए, जब आए थे तो मुझे नहीं पता था इतना हम लोग इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़े किए, स्पेशली फूड, जो स्ट्रॉबेरी क्रीम थी महाबलेश्वर की स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा यूनिक आइटम था यहाँ का, सो मैं कहना चाहूँगा अगर आप लोग यहाँ विजिट करते हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर खाना, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। क्लब एक्वेरिया के इस एडवेंचरस माहौल ने कैसे बना दिया इन दोनों भाइयों के लिए ये दिन यादगार, और निर्भय ने तो ये फैसला भी कर लिया कि बहुत जल्द वो अपनी नन्ही बिटिया लतीनी को लेकर एक बार फिर आएंगे क्लब एक्वेरिया। क्लब एक्वेरिया में हमें बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा अमेजिंग फूड था, स्पेशली स्ट्रॉबेरी शेक जो हमने पिए, और उसके बाद सैंडविचेस, पकोड़े खाए तो घर की याद आ गई, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने पकोड़े खाए हैं, प्याज के, आलू के, पनीर के, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर था यहाँ की, जो स्पोर्ट्स का सेक्शन था,
प्लस जो स्टाफ था बहुत अच्छे, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कहीं बाहर कहीं आया हूँ, सब लोग अपने की तरह ट्रीट कर रहे थे। जो बेस्ट पार्ट थी यहाँ की, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग इस एरिया में हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आप स्पेशली यहाँ आइए और एक बार ज़रूर विजिट कीजिए हमारे कहने पे। अगले महीने तो मैं अपने वाइफ और अपने बेटी को भी यहाँ पे ला रहा हूँ हॉलीडे के लिए, तो आप लोग भी सब लोगों को यहाँ पे लाइए। भाइयों की मटर गश्ती के बीच वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद करते हैं कि दोनों भाइयों के बीच ये भाईचारा हमेशा यूं ही कायम रहे, और हफ्ते में कम से कम एक दिन तो आप दोनों एक दूसरे के लिए वक्त जरूर निकालिए। लतिका पंडित, मुंबई, आज तक।